मुख्तार अंसारी जी के पुत्र अब्बास अंसारी अब बीजेपी के हिस्से हैं। सवाल यही है मेरा सबसे बड़ा, मैं जानना चाहता हूं अब कौन सी सर्टिफिकेट बटे। दूसरी चीज, लगातार बीजेपी के नेताओं पर बलात्कार का घटना बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के क्षेत्र में एक बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किया, जयपुर में किया। ये मन ब्रजभूषण सिंह जी से बढ़ा, आज भी फोबार्ट ने देश के लिए एक मेडल जीता है। आज क्या कब न्याय मिलेगा? ये सवाल है कि क्या बीजेपी के लगभग लोग बलात्कार के केस में क्यों फंसते हैं? बीजेपी के लगभग नेता फॉर्म देखते क्यों फंसते हैं? यह सवाल है। आपको कुछ पूछना हो तो कुछ। राजभर के जरिए जो है रास्ता अपना राजभर की पार्टी में है, देखना किस बात के लिए? ये देखने का काम मेरा नहीं है, बीजेपी का है। बीजेपी का चाल चरित्र से समझ में आता है। बीजेपी जिस तरीके से पसमंदा मुसलमान और मुसलमानों में फर्क लगातार कर रहा है, ये तो आप बीजेपी से पूछिए। जो पर्सनल लॉ मुद्दा है उनके, जिसको 2024 में चुनावी मुद्दा, उसको हमेशा कुछ न कुछ तो सबसे ज्यादा विरोध तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। मणिपुर के सीएम, आदिवासी मीना, ये तो संविधान और कानून के खिलाफ तो चीज है नहीं। हर आदमी, आप पप्पू यादव आनंद मार्गी है, मैं अपने तरीके से जीवन जीता हूँ। आदिवासी लोग अपने तरीके से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जीवन जीता है। तो ये बताना होगा ना, आदिवासी का जो सामाजिक जीवन है, मुइना का जो सामाजिक जीवन है, नॉर्थ का जो सामाजिक जीवन है, साउथ का जो सामाजिक जीवन है, पप्पू यादव का जो समाज, वो पप्पू यादव का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। तो आप किसी को अपने जीवन जीने के लिए बात नहीं कर सकते। और इसमें मुसलमानों का किसी चीजों का मतलब नहीं है। हम अपनी संस्कृति के तरह के साथ यदि महिलाओं को या बेटा को या परिवार को हम समाज में जीना चाहते हैं, तो इसमें विचारों के साथ जीना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी आपत्ति? इसमें कानून में तो कोई दखल है नहीं। इनको वन नेशन की बात जब ये करता है, तो वन नेशन वन वर्क क्यों नहीं? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं? जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं? कर दो भागीदारी। तो इसीलिए तय करना, ये लोग राजनीति और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई जाति धर्म नहीं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, इसका कोई मतलब, ये कोई भी कोई कुकर्म कर सकता है, चाहे बिहार हो चाहे कहीं। और कुछ पूछना? पप्पू यादव के समर्थन में आनंद मनावे, उन्होंने भी जाट जिंदाबाद का नारा लगाया है। आप एक साथ सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। मुझे आप ये बताइए, जब हम एम्स का डिमांड किए हुए हैं, हम डिमोसाइल मुद्दा का डिमांड किए हुए हैं कि हमारा अधिकार, आज पूरा बिहार आज NH जाम था, और हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र, जब झारखंड डिमोसाइल कानून को लागू किया हुआ है, शुरू से बिहारियों को पीटा जाता है, बिहारी बच्चों को भगाया जाता है, पढ़ने जाते हैं, हम 80,000 करोड़ रुपया बाहर देते हैं, उसके बावजूद कोटा से लेके कॉलेजेस से लेके सब जगह, बेंगलोर में सब जगह, उसके बाद हमको कहीं भी मजदूरी करने जाते हैं तब हमें गाली सुननी पड़ती है, तब हमें समय समय पर भगाया जाता है। ये दोष तो लंबे समय से जो सत्ता में है, 1 करोड़ लगभग हम बाहर जाते हैं, अभी गोली मार दिया गया सुपौल के, सहरसा के 3 मजदूर को,
सीधा गोली मारी गई कश्मीर में, तो लगातार बिहार के हर चीजों में, अभी तो ट्रेन में इतने लोग कटे, कितने लोगों को पैसा दे, तो हम लोग कॉमन कोर्ट पर तो एक साथ हैं और रहेंगे। 20 तारीख को वहां के एम्स के मुद्दे पर उन्होंने बंद का कॉल दिया है, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, सभी पार्टी साथ में खड़ी, हम लोग मिल करके एम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामाजिक और मुद्दे पर हम लोग एक साथ तो रहेंगे, उसमें कौन बहस है, उसमें कोई बहस नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि जो मिसाइल मुद्दा दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार है, सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पिछड़ा बिहार है, और हमें कहीं रास्ता मिलता नहीं है। और शिक्षक नीति जो तीति स्थिति का मामला है, पॉलिसी आपने बनाई थी स्थिति और तीति का, उसके बाद कोर्ट को भी दिया, और उसमें आपने आते आते जब नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई तो फिर आपने बीपीएससी से एग्जामिनेशन का मामला उठा दिया, जो बीच के नीति में गलत है। पहले ही जितना 4 लाख टीचर भर्ती हुए थे उसमें ही आप लगातार ब्लॉक प्रमुख के द्वारा, मुखिया के द्वारा जो आपने दे दिया था, एक तो वही फॉर्मेट गलत था। आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन से शुरू से लेते इस एग्जामिनेशन स्थिति, जब 10 दिन आपको नियुक्ति पर देनी थी, 4 साल लगभग लगातार एसटीटी टीटी के बच्चे ने मेहनत करके एग्जाम दे करके वो आया, और नियुक्ति पत्र के समय आपने उसको कह दिया कि नहीं, अब 22 जुलाई, अब कब ये 25 होगा कि 26 में एग्जाम होगा, या कब रिजल्ट निकलेगा, कौन लोग कोर्ट जाएंगे, फिर आएंगे, फिर क्या बनेगी, तो ये लटकाने का मुद्दा हो गया और कहने का मुद्दा हो गया। तो अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मुझसे लागू कानून लागू नहीं हो, तो महाराष्ट्र साउथ के कोई भर्ती लेंगे आ गए हैं, उनकी जो भाषा है तो वो सरल भाषा में, तो फिर बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे सही ढंग से स्कूल में, और जब हम ही इतना गरीब हैं तो पहले हमको, इसीलिए हम लोग का साफ डिमांड है कि 13.5 करोड़ में दुनिया के सबसे ज़्यादा हम पिछड़े दलित गरीब कहलाते हैं, इसीलिए हम आग्रह किए हैं अपनी सरकार से कि डोमिसाइल मुद्दा वो आप लागू करिए, पुनर्विचार करिए। हमारी आवाज़ 40 लाख परिवार को संख्या को लेकर के है, बीजेपी तो नाटक कर रही थी, बीजेपी तो तेजस्वी जी से सिर्फ इस्तीफा मांग रहा, उनका मुद्दा तेजस्वी जी को गाली देना, तुम क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी दिया, तुम क्यों नहीं पैसा बिहार को सरकार को दे रहे हो, तुम क्यों नहीं GST का पैसा देते हो, टैक्स का पैसा नहीं देते, तुम्हारे पास डोमिसाइल मुद्दा नहीं है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आप, तो 17 सालों में एक बार सारी ताकत लगा के संख्या नहीं जुटा पाई, 2000 SIS कंपनी को उतारना पड़ा और वो गुंडे ही उतार गए मर्ची कानून, ये आप होड़ लगा हुआ था कि हम लाठी खा लेंगे तो आगे मुख्यमंत्री के कंधे पे जाए, हम लाठी खा लेंगे तो मुख्यमंत्री के कंधे पे जाए, हम लाठी खा लेंगे तो लाठी किसी को नहीं लगा। हमेशा बीजेपी की आदत है, जब PM ही तैयार की भीख मांगता है कि जान बच गई पंजाब में किसानों से SPG के बाद, PM ही 10 बार कहता है हमको गाली पड़ गया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये निचला जो बीजेपी के लोग हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इन लोगों की जांच हो जाए, कर ले नीतीश जी, पता नहीं क्यों जांच करते हैं, इन लोगों ने 17 साल में कितने घपले किए, PWD से लेकर के नगर निगम से लेकर, क्या बोलेंगे ये लोग। बीजेपी के पास बिहार के जन विकास की कोई योजना मुद्दे नहीं है, और वो लड़ना भी नहीं जानता, तो इसीलिए ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी और बिहार के तमाम युवाओं की और शिक्षक की लड़ाई है, मैं शिक्षक की लड़ाई में हमारी पार्टी खड़ी सहयोग। सवाल ये था कि आनंद मोहन आपके जाप जिंदाबाद के नारा लगा रहे, क्या दोनों एक साथ है? आनंद मोहन जी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, तो साथ लगते रहा लगेगा, बगावत केवल विचारों के आधार पर, बगावत केवल का क्या, विचारों के आधार पर जब कोसी सीमांचल मिथिलांचल के विकास की बात आएगी, हम दोनों आदमी और भी सहयोग लेंगे और भी सब बुलाएंगे, हम लोग सीमांचल और कोसी के विकास पर मरते दम तक हम लोग साथ, दोनों आदमी एक साथ सीमांचल विकास के सवाल पर मरते दम तक हम लोग साथ, क्या कहेंगे आनंद मोहन का, विकास के सवाल पर हम लोग साथ हैं,
हर कीमत पर मरते दम तक साथ। हम लोग कोसी सीमांचल में राजनीति नहीं करेंगे मित्रांचल, हम लोग बाढ़ से लेकर के जो मुद्दे हमारे हैं उस मुद्दे को लेकर के हम लोग की बड़ी लड़ाई, और डोमिसाइल मुद्दा ऐसी मुद्दों को लेकर के हम लोग 23 तारीख को रेल जाम करेंगे, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, उसके बाद बिहार में रेल जाम जो करेंगे उसमें आनंद मोहन का सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे, चाहेंगे सब लोग का सहयोग करें, बिल्कुल लेंगे सबका सहयोग। आनंद मोहन ने भी एक दावा किया कि पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे, उसमें अच्छी का क्या सहयोग? आनंद मोहन जी बीजेपी के खिलाफ जो भी रैली करेंगे उसमें हम उनके साथ। सर हमको तो समझ में नहीं आया ये मुद्दा, पहले आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि जिस तरीके से वो आ गई किसी को पता नहीं चला, ये सुरक्षा का कितना बड़ा चूक है, कितना आतंकवादी आ गया होगा, मुद्दा ये है, मुद्दा वो नहीं है। अच्छी बात है कि प्रेम में रिश्ते में ये सब चीज नहीं देखे जाते हैं। सीमा को तो पाकिस्तानी जासूस बताया जाए। सर मैं तो वही कह रहा हूँ, बीजेपी ने तो ये बात बताया नहीं पास पाकिस्तानी जासूस, बीजेपी तो स्वागत कर रही है। मेरा सवाल पाकिस्तानी जासूस या नहीं जासूस का नहीं है, मेरा सवाल है कि सीमा जिस तरीके से आई, क्या अमित शाह जी रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे? ये सुरक्षा सबसे बड़ी चूक है, पाकिस्तान से भारत आ जाना बिना प्लेन ट्रेन के, इसका मतलब है लाखों हजारों आतंकवादी सीमा सुरक्षा को नाप के हिंदुस्तान आ चुकी। सवाल वहां है, सवाल सीमा का नहीं है, सवाल कितने आतंकवादी आ गए, सवाल सरकार फेल्योर हो गई इसमें। इसीलिए क्या अमित शाह जी रिजाइन करेंगे, और ऐसी घटना में अमित शाह जी को रिजाइन करेंगे? अगर मानना कि सीमा जो है पाकिस्तानी, सवाल ही नहीं उठता। मोहब्बत और प्रेम के रास्ते में वो आ गई, और हम उसका स्वागत करेंगे कि उसने रिश्ते को मजबूत किया है, उनका स्वागत इस परिवार तरीके से करना चाहिए। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, इनकी बेटी की शादी कहाँ होगी, अब कोई आपकी बहन की शादी कहाँ होगी, इस जीवन में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए किसी दूसरे को हम स्वागत करेंगे सीमा का, कि उन्होंने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए, सवाल सीमा का नहीं है कि वो सारी सुरक्षाएं को खत्म करके आई, सवाल सरकार का है, सीमा का नहीं। मुख नंबर में बुलेट प्रूफ नहीं है, किसने बताया, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, कभी भी बिना हेलीकॉप्टर के सेना नहीं गए, रोड से क्यों गया, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। ये साजिश तत्कालीन सरकार की कि इस मुद्दे को इस तरह से घटना घटेगी तो हम भारत के सेंटीमेंट को राजनीति से वोट से जोड़ पाएंगे, और ये देखा इस मुद्दों को लेकर के वोट मांगे। सतपाल जी ने उस वक्त जो बोला वो सच साबित हुए।